आज मैं आप लोग को एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, किसी की रियल लाइफ पे बेस्ड है, शायद आप लोग में से बहुत से लोगों ने सुनी भी होगी। ये कहानी है 1938 की। कैरोली नाम का एक आदमी, हंगेरियन आर्मी में था वो, उस कंट्री का वो बेस्ट पिस्टल शूटर था और उस कंट्री में जितनी भी नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी उनको वो जीत चुका था। और उस कंट्री में ऑलमोस्ट सबको कन्फर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं टोक्यो में, उसमें गोल्ड मेडल कैरोली को ही मिलेगा। हाँ, सबको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। उसने उस पिस्टल शूटिंग के लिए बहुत सालों से ट्रेनिंग की हुई थी। उसका शुरू से एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि उसे उसका जो हाथ है, उसका राइट हैंड है, उसको सिर्फ अपनी कंट्री का नहीं पूरे वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और वो कामयाब हो भी गया था, बस 2 साल का वेट था उसके पास। 1940s में ओलंपिक्स होने वाले थे, क्योंकि वो आर्मी में था तो आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। उस ट्रेनिंग कैंप में एक हादसा होता है और उस हादसे में उसका जो राइट हैंड होता है जिससे उसे गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड जिसको अपन बोलते हैं बम का गोला, वो फट जाता है और जो उसका हाथ रहता है वो चला जाता है। और उसके बाद उसका जो सारा सपना रहता है, सारा फोकस रहता है, सब ख़त्म हो जाता है। वो सोचता है कि मैं अब क्या करूँगा आगे। अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो पूरी ज़िंदगी रोता रहे और कहीं जाकर छुप कर बैठ जाए और अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दे, और या तो ये कि उसने जिस चीज़ पर फोकस किया था, उसका जो गोल था उसको पकड़ करके रख। तो उसने उस चीज़ पे फोकस किया, जो उसने उस पे फोकस किया जो चला गया था उस पे उसने फोकस नहीं किया, जो उसके पास था उसने उस पे फोकस किया। और उसके पास था उसका एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिसे वो लिख भी नहीं सकता था। तो फिर 1 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला, क्योंकि उसके राइट हैंड के लिए जो उसका हाथ चला गया था। फिर 1 महीने के बाद वो उसका ट्रीटमेंट चला 1 साल तक। 1 साल तक उसने ट्रेनिंग की अपने लेफ्ट हैंड की। ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद 1 साल तक बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की। स्टार्टिंग में उसको बहुत प्रॉब्लम हुई, बट उसका गोल क्लियर था कि मुझे ये करना है तो करना है। उसने ट्रेनिंग की और बहुत सारी प्रैक्टिस की। 1 साल के बाद मतलब 1939 में वो वापस आया। एक नेशनल चैम्पियनशिप चल रही थी हंगरी में, बहुत सारे प्लेयर्स आए हुए थे वहाँ पर, जितने भी थे उसके साथी वगैरह जो भी है, तो सब उसको आके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बोलते हैं कि ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा हाथ चला गया, उसके बाद भी तुम हमें यहाँ पे देखने आए हो, हमारा हौसला बढ़ाने आए हो करके। क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है कि वो 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग कर रहा था। तो वो जवाब देता है सबको कि नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, तुमको देखने नहीं आया हूँ, तुमसे कॉम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। चैंपियनशिप होती है और वहाँ पर जितने भी प्लेयर्स आए होते हैं सब अपने बेस्ट हैंड से, जो उनका राइट हैंड होता है, जो बेस्ट हैंड होता है उसे कॉम्पीट कर रहे होते हैं। और जो कैरली होता है वो अपने ओनली हैंड से, मतलब जो उसका वीक हाथ था उससे कॉम्पीट कर रहा होता है, और कैरली जीत जाता है। बट वो यहाँ पे नहीं रुकता है, उसका गोल क्लियर था कि उसके अपने हाथ को सिर्फ इस कंट्री का नहीं पूरे वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। वो अपना सारा का सारा पूरा का पूरा फोकस उठाकर डालता है 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले थे टोक्यो में। बट जो 1940 के ओलंपिक्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं वर्ल्ड वॉर की वजह से। वो उस टाइम भी निराश नहीं होता है, गिव अप नहीं करता है, वो बोलता है कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करूँगा जो 1944 में ओलंपिक्स होने। तो फिर अपना सारा फोकस पूरा उठा के वो डाल देता है 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे। बट जो 1944 के ओलंपिक्स होते हैं वो भी कैंसिल हो जाते हैं वर्ल्ड वॉर की वजह से। तब भी वो गिव अप नहीं करता है, वो बोलता है ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। तो वो अब तक पूरा का पूरा फोकस उठाकर फिर से डाल देता है 1948 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे। और 1938 में जब वो शुरू किया था उसकी एज थी 28 साल। 1948 में उसकी एज हो जाती है 38 ईयर्स। और जो यंगर प्लेयर्स निकल कर आते हैं उनसे कॉम्पीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है, सबके लिए होता है, उसके लिए भी हो गया। बट मुश्किल नाम का शब्द उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। वो जाता है, चैम्पियनशिप होती है, पार्टिसिपेट करता है और जीतता है। बट वो यहाँ पर नहीं रुकता है, फिर से वो पार्टिसिपेट करता है 1952 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उस पर, फिर से वो पार्टिसिपेट करता है और फिर से जीत जाता है। और मतलब पूरी की पूरी ओलंपिक्स की हिस्ट्री को बदल करके रख देता है, क्योंकि इसके पहले इस पर्टिकुलर कंपटीशन में किसी भी एथलीट ने लगातार 2 बार गोल्ड मेडल नहीं जीता था। वो बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि लक के ऊपर बहुत लोग विश्वास करते हैं कि इस बार मेरा लक साथ नहीं दिया। कोई बोलते हैं कि मेरा लक इस बार साथ नहीं दिया, मुझे अपने लक पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। लक नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है तो लक आपका तब तक साथ देगा अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा ही नहीं है तो लक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है तो आप परिस्थितियों को इतना मजबूर कर देते हो कि परिस्थितियाँ भी आपके हक में आने के लिए मजबूर हो जाती है।